हाय गाइस, आज की रेसिपी है कनौआ। कनौआ ट्विस्ट, इसको हम थोड़ा ट्विस्ट करके बनाएंगे। सो हम 2 टेबलस्पून कनौआ ले लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। सो कनौआ हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको हम कुकर में डाल देंगे। इसी के साथ हम 1 कप पानी इसमें डाल देंगे और इसको हम 2 विसल्स लगवाएंगे। सो जब तक हमारा कनौआ रेडी हो रहा है, हम 1 एवोकाडो ले लेंगे। मैं हाफ एवोकाडो का भी हाफ एवोकाडो लूँगी बिकॉज डायशिया के लिए इतना इनफ है। एंड इसको हम अच्छे से पील करके चॉप कर लेंगे। सो चेरीज़ भी हम ले लेंगे। चेरीज़ के सीड्स हम रिमूव कर लेंगे और चेरी जब भी आप कट करेंगे प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए ताकि इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट खाने में ना चले जाए, क्योंकि चेरी कई बार बाहर से बिल्कुल साफ लगेगी पर अंदर कई बार इसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। सो प्लीज़ आप जब भी बेबी के लिए कुछ भी करें उसको ध्यान से कट करके प्रॉपरली चेक कर लीजिए। सो टोटल मैंने 10 से 15 चेरी ली हैं। कनौआ रेडी है, विसल्स लग चुकी हैं एंड प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस कनौआ को ग्राइंडर में डाल देंगे, बेबी फूड प्रोसेसर में इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसी में हम इसके साथ एवोकाडो प्लस चेरी वो भी डाल देंगे। मैं इसमें शुगर या मीठा कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये थिक लगेगा आफ्टर ग्राइंडिंग, आप इसमें कोकोनट वाटर भी डाल सकते हैं। सो मुझे इतना ही थिक चाहिए था तो मेरे लिए इट्स परफेक्ट। अगर आपको ये काफ़ी थिक लग रहा है अपने बेबी के लिए तो आप इसमें कोकोनट वाटर या सिंपल वाटर भी डाल सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू ऐड वाटर प्लीज़ ऐड वाटर व्हाइल कुकिंग, एंड इफ़ यू वांट टू ऐड कोकोनट वाटर यू कैन ऐड व्हाइल ग्राइंडिंग। होप यू लाइक माय रेसिपी। If you like my recipe, please share my recipe with your friends, family member, and please don't forget to subscribe. Bye-bye.